में जो आप जो है, एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोके वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। सर एक सवाल, दो सवाल हैं बीसी की। पहला तो ये कि कल जब रिजल्ट आ जाएंगे तब शरद पवार की भूमिका आप कितनी अहम देखते हैं एमबी के हाथ से? बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहां एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। प्रकाश अम्बेडकर की उसमें कहीं कोई जगह होगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि वो सत्ता जिसकी रहेगी उसके साथ। अच्छी बात है, अगर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी, क्या ही नहीं कहा। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल ये है, निर्दलीय और बागी उम्मीदवार, ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इनके लिए आपकी क्या योजना है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे तीन पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं, 160, कांग्रेस शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और हमारे छोटे छोटे घटक दल हैं, उनके 160 विधायक हमारे चुनकर आने के बाद बाद में विचार करेंगे ना अभी, लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है, कोई छोटे छोटे दल का सहारा लेकर लड़ते हैं। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं कोई चर्चा हो रही है सर? जो आप लोगों ने कल बैठक की उसमें कहीं कोई चर्चा हुई चेहरे को लेकर? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं और जीत का दावा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा नंबर उनके आएंगे, और जो फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से किया गया था जिसकी जितनी ज्यादा, ऐसा कोई फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है।